हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। अगर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी वीडियो यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, अगर वो पॉज हो जाती है बार बार देखते देखते 14 से 15 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद पॉज हो जाती है खुद ब खुद, उसे आप सही करना चाहते हो, आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको जाना है सिर्फ सेटिंग्स में। ये किसी भी फ़ोन के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप और अलग अलग फ़ोन के लिए सर्च करो। ठीक है, तो आप हर एक फ़ोन में आप इस ट्रिक को यूज़ करके आपकी वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, उसके बाद जाना है अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो यहाँ पे आपने जाके सर्च करना है यूट्यूब। ओके, यूट्यूब में जाने के बाद आपको क्या करना है, क्लियर डाटा कर देना है और फोर्स अनइंस्टॉल अपडेट नहीं करना। ठीक है, क्लियर डाटा करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है उसके बाद ओके करके क्लियर डाटा कर। मैं क्लियर डाटा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑफलाइन वीडियोज़ क्लियर ऑल डाटा करके, तो उसके बाद आपने YouTube ओपन करनी है तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप फिर भी ये प्रॉब्लम अगर आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे कि कुछ फ़ोन्स में इंस्टॉल्ड ऐप की जगह ना एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है और कुछ फ़ोन में ऐप्स होता है, जैसे कि सैमसंग में ऐप्स होता है और ली टू के फ़ोन्स में होता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। उसके बाद जाना है सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाने के बाद वहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा इंस्टॉल्ड ऐप, वहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने फोर स्टॉप भी कर देंगे ना उसको, तो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये चीज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ, शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें और नए आइडियाज़ दें अपने। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे अपने अगले आने वाली वीडियोस में। सो गाइस, कीप सपोर्ट, बाय बाय, टेक केयर।